युवा राजद के एक प्रखंड कमेटी ने महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी में मनाया जश्न। युवा राजद के नगर प्रखंड कमेटी के द्वारा महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी में युवा राजद के नगर प्रखंड अध्यक्ष इंजीनियर सुमन यादव की अध्यक्षता में के नगर प्रखंड परिसर में नई सरकार गठन की खुशी में जश्न मनाया गया। सभी युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाने की घोषणा की। सरकार बनाने की खुशी युवा राजद में देखने को मिला। युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर नई सरकार का स्वागत किया। सारा परिसर राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष इंजीनियर सुमन यादव, प्रधान महासचिव सैफुल आलम, उपाध्यक्ष साहिल जी, प्रखंड मीडिया प्रभारी शहनवाज आलम, प्रखंड महासचिव मुनाजिर हसन, प्रखंड सचिव सोनू आलम, झुन्नी इस्तम्बरार पंचायत के अध्यक्ष सदरे आलम, गंगेली पंचायत अध्यक्ष विक्रम पासवान, प्रखंड उपाध्यक्ष घनश्याम कुमार महतो, कोहवारा पंचायत अध्यक्ष प्रांजल यादव, बिठनौली पूर्व पंचायत अध्यक्ष असरार जी, सतकुदरिया पंचायत उपाध्यक्ष राहुल कुमार यादव एवं युवा राजद के नगर प्रखंड के बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और हम समस्त के नगर प्रखंड वासियों को हमारी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार जो बनी है उसके लिए हम पूरा युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। और यह सरकार पूर्णतः गरीब कल्याण के लिए बनी है, जो गरीब मजदूर अंतिम तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके भविष्य चौतरफा विकास हो उनका, इसके लिए हमारे तेजस्वी जी अभी से कार्यशील हो चुके हैं उस रास्ते पर कि सभी किसान मजदूर जो भी हो सभी का कल्याण हो, सभी आगे बढ़े। आप लोग जो है सरकार के विपक्ष में भी रहे, सरकार में भी रहे, लेकिन आप लोग को कभी विपक्ष में रहने के बाद हम लोगों को नज़र नहीं आए। हम हमेशा हम लोग क्षेत्र में हैं, आप लोग हमको नहीं देखे अलग बात, लेकिन हमेशा हम लोग क्षेत्र में रहे हैं। और आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं हमारे प्रखंड में। आप तेजस्वी जी कहे थे कि 10 लाख युवाओं को उस बातों पे क्या अमल होगा? हाँ, अमल होने वाला है, अब उन पे काम चल रहा है। तेजस्वी जी खुद अपने मुंह से बोले एक महीना के अंदर उस रास्ते पर कदम उठाया जाएगा। अभी हम लोग का काम चल रहा है, तेजस्वी जी जैसे करेंगे, जैसे हम लोग का है कमान करेंगे वही हम आप लोग को बता रहे हैं। 10 लाख राज का तबका दिया जाता है लालू जी को, क्या वो स्थिति नहीं निकल पाएंगे? वो स्थिति होगी नहीं, अब विकास ही विकास होगा, सिर्फ इतना जान लीजिए, सिर्फ विकास ही विकास होगा। आप लोगों का क्या एजेंडा है? आप लोग यहाँ जो आए हैं तो लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि अब हमारी सरकार बनी है महागठबंधन की, सभी का जो भी जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे थे भाजपा की सरकार में सारे खत्म होंगे और सभी का उन्नति और विकास होगा। क्या परिचय? मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष इंजीनियर सुमन यादव मेरा नाम है। मेरा घर बेलारी काबगंज। परिवर्तन देखिए, परिवर्तन जब आया है सरकार तो हुए करेगा, ऐसा बात नहीं होगा। जब सरकार आ गया है तो समझिए कि एक बढ़िया काम होगा, हर एक चीज़ होगा। यहाँ पे हम लोग जोर शोर से यहाँ काम करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा? हाँ होगा। अफसर साहिब पे लगाम लगेगा? हाँ लगेगा। कैसे लगाएंगे? लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे। जनता राशन के लिए त्रस्त है, सब चीज के लिए करेंगे, तरफ से त्रस्त है। आप परिवर्तन हुआ है उसके साथ आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, किस तरह से साथ चलेंगे? साथ चलेंगे, गांव समाज के सबको लेके चलना, हमको पूरा प्रखंड में लेके चलना है। क्या एजेंडा है? क्या चीज एजेंडा कुछ है? मुद्दा क्या? मुद्दा वही है, देखिए बेरोजगारी था तो समझे हो गया, अभी घोषणा एक महीना बाद तो हो जाएगा। देखिए तेजस्वी भैया जो बोला है वो हुए करवे करेगा, जो बोल दिया समझो हो जाएगा। वो ये थोड़ा है बीजेपी जो एक बार बोल दिया 19 लाख के बारे में बोला, पता चलो कहाँ गया नहीं गया कोई पते न। किसानों का कर्ज माफी की गई, कर्ज माफी अब वो सब देखा जाएगा। युवाओं के लिए क्या करेंगे? सब चीज किया है, करते आ रहे हैं और करेंगे भी। मेरा नाम हो मोहम्मद सैफुल आलम, घर का गोखलपुर। क्या है? प्रखंड प्रधान महासचिव है। मनाया जा रहा है आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा? बहुत खुशी से, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है।
और हम लोग जो मेरे थे नेता तेजस्वी यादव जो वादा किए थे फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और पहला कलम उसका रोजगार पे ही चलेगा और ये केंद्र प्रखंड में जो जितना भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सब पे हम लोग युवा मिलकर एकत्रित होकर लगाम लगाने का काम करेंगे। सर प्रशासनिक तौर पे हम लोग मिलकर उसका सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि जो जल्दी भाजपा नहीं कर पाई वो तेजस्वी जी करके दिखाएंगे? ये तो गरीब और महादलित की सरकार है, ये सारा चीज करके दिखाएंगे आपको। जगदल राज का जो तबका है वो हम लोगों को लगता है कि आगे भी चलेगा या फिर इसको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, अभी युवा है, तेजस्वी भैया डिप्टी सीएम है, वो आपको पूरा अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको तो वही नीतीश कुमार है मंत्री और सरकार कैबिनेट बन गया, क्या लगता है कि ये जो स्थिति है यथावत रहेगी कि इसमें परिवर्तन होगा? बहुत ज्यादा परिवर्तन होगी। क्या क्या परिवर्तन होगा? बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा अभी तक तो, और किसानों का भी कर्ज माफ होगा, महंगाई पे लगाम लगेगी। आपको लगता है कि की वाइफ है वो राजनीतिक में आने वाली है, कुछ ऐसा है आप लोगों को? ऐसा तो कुछ निर्णय अभी नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से। युवाओं से क्या अपील करेंगे इस सरकार के लिए और काम के लिए क्षेत्र में, ये कार्यकर्ता को कैसे संदेश देंगे, क्या काम करेगा? जो इतने भी तेजस्वी यादव वादा किए थे सारा वादा पूरा करेंगे सारे युवाओं के। तो प्रखंड स्तर पे जो कार्यकारिणी है आपकी वो सक्रिय होगी कि वो निष्क्रिय रहेगी? नहीं, सक्रिय होगी। आप करेंगे? जी जी, महीने महीने में बैठक होगी? जी जी जी, हम लोग मिल के। क्या परिचय? मोहम्मद शाहनवाज आलम, प्रखंड मीडिया प्रभारी, युवा राजद, घर का बेगमपुर।